S1 AP हैंडओवर देख रहे हैं हम, अभी हमने देखा था X2 हैंडओवर, अब देख रहे हैं S1 AP हैंडओवर। S1 AP हैंडओवर के केस में क्या होता है, आपका MME दूसरा भी हो सकता है। और X2 हैंडओवर में क्या रहता था कि जो दोनों इनोड भी हैं वो एक ही MME से कनेक्टेड है, बट यहाँ पे ये जो दूसरा टारगेट इनोड भी हो सकता दूसरे इनोड भी से कनेक्टेड रहेगा, तो उस केस में कैसे हैंडओवर होगा। तो वहां पे हम देखते हैं कि सोर्स इनोड भी क्या भेजता है, ये मेजरमेंट कंट्रोल, और आपका यूई भेज देता है इसको मेजरमेंट रिपोर्ट, और फिर ये सोर्स इनोड भी हैंडओवर रिक्वायर्ड भेजता है किसको, एमएमई को, ये हैंडओवर रिक्वायर्ड मैसेज भेजता है। और एमएमई जो क्या करेगा, हैंडओवर रिक्वेस्ट भेजेगा फिर टारगेट इनोड भी कि हाँ भाई तुमको इस इनोड भी में जाना है, और हैंडओवर रिक्वेस्ट एक्नॉलेज कर देगा एमएमई, और फिर एमएमई हैंडओवर कमांड भी भेज देगा किसको, सोर्स इनोड भी को, और इसके बिहाफ में ये आरआरसी कनेक्शन रिकन्फिग्रेशन भेजेगा यूई को कि भाई अब तुमको इस एमएमई में जाना है और ये कन्फिग्रेशन, नया कन्फिग्रेशन के साथ तुम अपना कन्फिग्रेशन कर लो, और इनोड भी सिक्वेंस ट्रांसफर कर देगा किसको, एमएमई को, कि भाई अभी तक जो हमारा जो डेटा ट्रांसफर हो रहा था या जो डाउनलोड कर रहा था जो भी कर रहा था ये यूजर, तो उसकी स्टेटस ये है, तो ये इसको भेज देगा एमएमई को, और वो एमएमई जो है वो सारी चीजें अपने टारगेट इनोड भी को भेज देगा कि हमारा जो जिस एमएमई में एमएमई जो है तो वो बोलेगा जिस इनोड भी में जाने के लिए, तो वो सारी इंफॉर्मेशन उसके पास भेज देगा, और इस तरह से यूई वापस आरआरसी कनेक्शन रिकन्फिगरेशन कंप्लीट कर लेगा टारगेट इनोड भी के साथ, और हैंड ओवर नोटिफाई भेज देगा टारगेट इनोड भी एमएमई को। अब एमएमई मॉडिफाई बेयरर रिक्वेस्ट करेगा एस गेटवे के साथ, और एस गेटवे एमएमई को मॉडिफाई बेयरर रिस्पॉन्स कर देगा। अब यूई कॉन्टेक्स्ट एमएमई यूई कॉन्टेक्स्ट रिलीज कर दिया सोर्स इनोड भी को कि तुम अब रिलीज हो सकते हो। अब नए इनोड भी के साथ वापस रेस प्रोसीजर करके आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट करके वो अपना इस्टेब्लिश कर लेगा अपना कनेक्शन।